हेलो एवरीवन, मैं भावना शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक देख के तो आप समझ ही गए होंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं आईएमए द्वारा जारी 188 पदों के एग्जाम पैटर्न पर। फ्रेंड्स, आईएमए द्वारा जारी 188 पदों पर नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप सभी को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपसे इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, अगर हम बात करें उसके मीडियम की, यानी कि क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा एक्सेप्ट इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि आप सभी जानते ही, अगर जनरल इंग्लिश से जुड़े हुए क्वेश्चन है तो वो इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो किस लेवल का होगा। जैसे देखिए, इसमें अलग अलग पद हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है, देखिए, एलडीसी, यानी कि लोअर डिविजन क्लर्क। अगर हम बात करें एलडीसी की, तो आपको इसके लिए 12th लेवल की तैयारी करनी होगी, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल की इसमें तैयारी आपको करनी होगी। इसके अलावा इसमें जितने भी पद हैं, यानी कि जितनी भी और पोस्ट रिलीज हुई है इसके अंतर्गत, अदर जितनी भी पोस्ट हैं, उन सभी के लिए आपको क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल लेवल की स्टडी करनी होगी, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट इसके पेपर की, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। तो देखिए, आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, यानी कि आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिसमें से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पेपर में डिवाइड रहेगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ। तो चारों ही पेपर जो है आपके सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हैं। जैसे देखिए, पेपर फर्स्ट में आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे देखिए टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस से भी आपसे देखिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पेपर सेकंड जो आपका होगा जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर थर्ड में देखिए आपसे जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पेपर फोर्थ की, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपसे इसमें अंकगणित संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चारों पेपर को मिला के आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए, फर्स्ट पेपर में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन पेपर देखिए जो आपका है जनरल अवेयरनेस का, तो इसमें 50 क्वेश्चन आपसे 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से भी देखिए आपसे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है 150 मार्क्स का क्वेश्चन पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो आप सभी का पेपर के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसमें टाइम ड्यूरेशन की। तो देखिए, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, इन चारों पेपर के लिए आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो है 2 आवर्स की टाइमिंग। तो 2 घंटे में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। आई होप कि आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।